Hello children, welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. Today we will learn generation of computers, and in the first part of the video we have studied about first generation and second generation. In the first generation, the main invention of the generation was vacuum tube, and in the second generation, the main invention of the generation is ट्रांजिस्टर. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया. जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत बड़ा था, वो हीट निकालते थे, जिसको कम करने के लिए उसमें कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता था. इसके अलावा पहला कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन का सक्सेसफुल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC. इसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे जनरेशन, थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर की. लेट्स स्टडी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड लेसन टू पार्ट टू. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1971. थर्ड जनरेशन बिलोंग टू द पीरियड 1965 टू 1971. जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1965 से लेकर 1971 के टाइम पीरियड में बनाए गए. इन दिस कंप्यूटर्स द इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्रिंटेड सर्किट्स. इन कंप्यूटर्स में प्रिंटेड सर्किट्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था. दे वर 10,000 टाइम फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. और ये जो कंप्यूटर थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में 10,000 गुना तीव्र गति से काम करने वाले थे. दिस कंप्यूटर हैड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. ये जो कंप्यूटर थे इनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी. हायर कैलकुलेटिंग स्पीड एंड वर मच स्मॉलर इन साइज. और कैलकुलेट इनकी जो स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज थी और इनका साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा था. 7.2 कैरेक्टराइज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. नंबर वन, सिलिकन चिप वर यूज्ड विच हैव हाई हीटिंग पॉइंट. सिलिकन चिप का यूज़ किया गया था जो कि जिसका हीटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था. इट डिंट रिक्वायर कूलिंग सिस्टम. इनको कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी. इट वॉज द इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंप्यूटर. और यह माइक्रो कंप्यूटर का एक परिचय देते थे. हंड्रेड ऑफ सर्किट्स वर रिप्लेस बाय ए चिप. और लगभग 100 से भी ज़्यादा सर्किट को एक चिप के द्वारा रिप्लेस किया गया था इनमें. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेकर 1981 तक के टाइम पीरियड में इनको बनाया गया था. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिलोंग टू द टाइम पीरियड ऑफ 1971 टू 1980. इस जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से लेकर 1980 के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं. इन दिस कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वर बेस्ड ऑन ए सिंगल चिप. माइक्रो प्रोसेसर को एक सिंगल चिप में बनाया गया था. द सर्किट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग सिलिकन मेटल, ए सेमी कंडक्टर. और जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें एक चिप थी. चिप इज ऑफ साइज द सर्किट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाई यूजिंग सिलिकन मेटल. जो प्रोसेसर था, जो सर्किट था, उसको सिलिकन मेटल का यूज करके बनाया गया था. ए सेमी कंडक्टर, जो कि एक कंडक्टर सेमी कंडक्टर था. ए माइक्रो प्रोसेसर चिप इज ऑफ द साइज ऑफ ए फिंगर नेल. और जो प्रोसेसर था इसकी जो चिप थी, चिप इज ऑफ द साइज उसके जो जैसे हमारी उंगली का नखून होता है उसके जैसी थी, उसके बराबर थी. इतनी छोटी चिप का यूज किया गया था. विद द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल.
इसका यूज करके, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके जो कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया था, वेरी स्मॉल इन साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल एंड देवर बिकम वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, और ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से और अच्छा काम करने वाले बन गए थे इस जनरेशन के कंप्यूटर। सम पॉइंट टू समराइज दिस कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क कैरेक्टराइज बाय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स थे उनको एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल दिया गया था, विच कंटेन द इक्विवेलेंट ऑफ मैनी ट्रांजिस्टर्स, जो कई सारे ट्रांजिस्टर्स के बराबर थे। मॉनिटर एंड कीबोर्ड वर इंट्रोड्यूस, इस टाइम पीरियड में मॉनिटर और कीबोर्ड भी आ गए थे। मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। सिलिकन चिप वर यूज्ड, और सिलिकन चिप का यूज किया गया था फिफ्थ जनरेशन के फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज गोइंग ऑन, अभी जो चल रही है वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन चल रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंप्यूटर आर गोइंग टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वुड बी एबल टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली लाइक ह्यूमन वेयर, अभी जो चल रही है वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन चल रही है, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का काम चल रहा है, जिससे ये कंप्यूटर जो है स्वतंत्र रूप से, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग हम लोग डिसीजन लेते हैं उस तरीके से ये भी डिसीजन ले सकेंगे। एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज रोबोट, एक एग्जांपल है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का, रोबोट विच टेक इट्स ओन डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि ये अपने डिसीजन खुद लेता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं उनके बेस पर ये डिसीजन लेता है। एक्सटेंसिव साइंटिफिक रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नाउडेज, इस तरीके के कंप्यूटर्स पर बहुत मतलब रिसर्च चल रही है, काफ़ी बड़ी रिसर्च चल रही है इनको और भी ज़्यादा अच्छे सफिशियंट इफिशियंट बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, और लेसन 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।